नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो स्टडी हेल्प और मैं हूँ सचिन। तो दोस्तों, राजस्थान पुलिस की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट निकली दोस्तों। तो भर्ती रद्द होने वाली है, जो आपकी भर्ती है वो रद्द होने वाली दोस्तों। पेपर लीक मामले पर एक बहुत ही बड़े बयान देखने को मिला है, जो आपको खुश कर देगा दोस्तों। खुशी वाला बयान है दोस्तों। तो ये क्या बयान है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कीजिए और बगल में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए, जैसे कहो जैसे मैं कोई नया वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप वीडियो देख सकते हो अपने फ़ोन पर। दोस्तों सब्सक्राइब ना हो और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि लाइक करना बिल्कुल फ्री है। दोस्तों चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पेपर लीक मामले पर बड़ा बयान ये आया है कि 25 जुलाई को राज्य स्तरीय महाहंगामा होने वाला है दोस्तों। राज्य स्तरीय रैली निकलने वाली है, जिसमें जो भर्ती रद्द को लेकर है ना, पेपर लीक मामला पेपर हुआ है लीक, उसको लेकर है सुनने वाली है ये रैली को, क्योंकि जो DIG वगैरह हैं, IG वगैरह, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया है कि पेपर लीक नहीं हुआ है और भर्ती है, जो भर्ती है वो रद्द नहीं करेंगे, पेपर है वो फिर से नहीं करेंगे। इसी को लेकर कल यानी कि 25 जुलाई को महारैली है दोस्तों निकलने वाली, राज्य स्तरीय हंगामा होने वाला दोस्तों। तो इसी बात पर होगी कि पेपर है वो फिर से कराया जाए, री एग्ज़ाम है वो फिर से कराया जाए, और इसी को लेकर हैं जो ये रैली होने वाली है। तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि दोस्तों कि आपका पेपर है वो वापस होने वाला है दोस्तों, क्योंकि जिनके पेपर अच्छा नहीं हुआ है उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है, और जिनके अच्छा पेपर हुआ उनके लिए तो बहुत ही बड़ी दुख की बात है कि उनको फिर से एग्ज़ाम देना होगा। और जिनका नंबर आने वाला था, उनको लग रहा था कि हमारा नंबर आ जाएगा, तो उनके लिए भी बहुत ही बड़ी दुख की बात है। और जिनको लग रहा था कि मेरा नंबर नहीं आएगा, मैं इतने नंबर से चूक जाऊंगा, मेरा नंबर इतना मेरे इतने ही नंबर आएंगे, तो उनके लिए ये खुशखबरी खुशी की बात है कि उनका अब फिर से उनको एग्ज़ाम देना होगा। तो दोस्तों ये एग्ज़ाम क्यों हो रहा है, तो आपको जैसा कि पता होगा कि कोटा में पेपर लीक हो गया था सेकेंड पारी में, क्योंकि वो पहली पारी की सील लगी थी सेकंड पारी के पेपर पर, और सेकंड पारी और फर्स्ट पारी में दोनों सेम टू सेम पेपर आ गए, और इसी वजह से कोटा में पेपर है वो लीक हो गया। और जो जिन्होंने सेकंड पारी में परीक्षा दी उन्होंने सारे के सारे क्वेश्चन रट ला ले और जो सही आंसर कर डाले, क्योंकि उन्होंने पूरे क्वेश्चन पढ़ लिए थे और वो फिर तो वो सही करने वाले ही थे, क्योंकि एक भी आंसर उनकी तरफ से गलत नहीं किया गया। और अब तो पूरी तरह से भर्ती रद्द होनी चाहिए, क्योंकि कोटा वाले ही पुलिस बनने वाले हैं अब तो, और दूसरे ज़िलों वाले तो बनने, उनको उनका नंबर आना बहुत ही मुश्किल लग रहा है। इसलिए जो राजस्थान पुलिस की भर्ती है वो रद्द कराने को लेकर मांग चल रही है, और हाईकोर्ट को दिया था नोटिस, लेकिन हाईकोर्ट ने कुछ नहीं किया। हाईकोर्ट ने कहा कि नेट बंद था और ये पुलिस की लापरवाही, ऐसा ही कह दिया और कुछ नहीं किया। लेकिन अब जो है 25 जुलाई को महाहंगामा होने वाला है, महारैली निकलने वाली है दोस्तों, राज्य स्तरीय हंगामा होने वाला है ये 25 जुलाई को। तो यहाँ पे 25 जुलाई को नेट भी बंद रह सकता है, क्योंकि महाहंगामा होने वाला है, जो कि नेट के द्वारा ही सूचना दी जाएगी इस हंगामे की। तो 25 जुलाई को नेट भी आपका है वो बंद रह सकता है। तो 25 जुलाई को महाहंगामा होने वाला है राजस्थान पुलिस भर्ती को रद्द, भर्ती रद्द लेकर। तो पेपर लीक मामला प्रकरण पर ये बहुत ही बड़ा खुशखबरी है आपके लिए कि पेपर लीक हुआ है तो फिर भर्ती तो रद्द होनी चाहिए और फिर से होना चाहिए एग्ज़ाम। तो ये एग्ज़ाम है वो फिर से कराने के लिए ही रैली निकाली जाएगी, कल महा रैली निकाली जाएगी। तो इसमें नेट भी बंद रह सकता है, क्योंकि नेट के द्वारा ही मैसेज सभी को फॉरवर्ड किए जाएंगे और सभी को प्राप्त किए जाएंगे, दिए जाएंगे कि रैली है और आपको आपको यहाँ पे उपस्थिति चाहिए, आपकी उपस्थिति चाहिए। तो इसीलिए ये खबर पहले ही जारी कर दी गई है, कल से ही शुरू हो गई थी खबर, राजस्थान पुलिस महारैली की खबर है जो वायरल हो गई है दोस्तों, और अभी तक सभी को मिल चुकी होगी कि राजस्थान पुलिस भर्ती रद्द को लेकर महारैली निकलने वाली है 25 जुलाई को दोस्तों। तो इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए, ताकि अभी तक जिनको नहीं मिला है ये मैसेज नहीं मिला तो उनको भी मिल जाए कि 25 जुलाई को महारैली होने वाली है दोस्तों। इस पर जो आपका बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि फिर से आपका एग्ज़ाम होने वाला दोस्तों, भर्ती रद्द होगी और फिर से आपका एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।